हेलो मिस्टर नाथ। सर सुना है आप जोश प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट मिस्टर मेहता कंपनी के साथ करने जा रहे हैं। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? वो छोड़िए सर, सर आपके एक पते की बात करता हूँ। मेरे पास एक फॉरेन की पार्टी जो आपके जोश प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। सौदा फायदेमंद है। आई एम सॉरी मिस्टर नाथ, लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। सर अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हुए ना? सर आप प्लीज उनसे एक बार आके मिल लीजिए, शायद आप अपना फैसला बदल लें। वो फॉरेन डेलीगेट मेरे ऑफिस में ही है। ठीक है, आप उन्हें प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताइए, मैं पहुंचता हूं। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। कशिश, मुझे मिस्टर नाथ के ऑफिस जाना होगा। लेकिन पीयूष, मिस्टर मेहता तो हमारा ऑफिस में इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं काम करो, तुम उनसे मिल लो। और हाँ, जब तक मेरा फोन ना आए एग्रीमेंट साइन मत करना। लेकिन पीयूष, ऐसा करना ठीक होगा? कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। ऑल द बेस्ट। This project is really interesting and I hope कि आप लोगों को हमारा project पसंद आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, this and this part is going to be really meaningful. I hope कि आप लोगों को हमारा project अच्छा लगा होगा। Thanks for your cooperation. Well, Mrs. Raheja, आपका प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। हम एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। आपके साइन हो गए, लेकिन मिस्टर पीयूष रहेगा कहाँ है? वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। देखिए, आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जोश प्रोजेक्ट को बंद करने का मतलब है अपने पुराने साथियों के विश्वास को तोड़ना। और बरसों से हमने इनके साथ बिजनेस किया है और इस प्रोजेक्ट पे भी हमने काफी काम किया है। अगर मिस्टर पीयूष रहेजा को आने में वक्त लगेगा तो एग्रीमेंट मिस्टर सुजल ग्रेवाल साइन कर सकते हैं। रेजा, वी आर गेटिंग लेट। प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग नेटवर्क आपको करोड़ों का फायदा करवा सकता है। देखिए, आप एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए वही फैसला कीजिए जो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद हो। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे अपने दूसरे डायरेक्टर से बात करनी होगी। मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। एक्सक्यूज मी। श्योर। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एक्सक्यूज मी, आपके लिए फोन है। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, मैं अभी आई। अगला मैच टाइसन के साथ। चलिए रिति, अब तू टिकट दे ही दे। किस बात पे? बॉक्सिंग चैंपियन बनने की। अरे भैया, मैच तो होने दे। शिमला में कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो तुझे चैलेंज करे। अभी तक किसी ने अपना नाम रजिस्टर्ड ही नहीं किया है। कोई रजिस्टर कराएगा भी नहीं। चल, पार्टी कब दे रहा? एवरी डे इज अ पार्टी मैच। ऋषि, इस बार बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए तुझे मैच खेलना ही पड़ेगा। किसके साथ? वरुण के साथ। अभी भी उसने अपना नाम रजिस्टर किया है। सॉरी जेंटलमैन, आप लोगों को कुछ वेट करना पड़ा होगा। दरअसल ये मीटिंग पहले मिस्टर पीयूष रहेजा अटेंड करने वाले थे, लेकिन वो किसी काम में उलझ गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स ओके, अब हम चलते हैं। थैंक्स। बाय बाय। गुड डे मैम। सुजल, तुमने साइन क्यों किया? पीयूष ने कहा था कि कशिश मैं कौन हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कशिश, मैं कौन हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? एक सीधा सा सवाल, मैं कौन हूँ? मिस्टर मिश्रा। यस सर। इस कंपनी में मैं कौन? सर, आप तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तुमने सुना कशिश, मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और कोई भी फैसला लेने का हक मेरा भी उतना है
जितना कि पीयूष का। अब मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। यह प्रोजेक्ट अब होके रहेगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस कंपनी के साथ काम करती हो और इस कंपनी के कुछ कायदे कानून हैं। एक एमडी होने की हैसियत से जब तक मैं चाहूंगा तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करो। ठीक है, जब तक मैं इस कंपनी में काम करूंगी तब तक मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। लेकिन सुजल, अगर मैं इस कंपनी में काम ही ना करूं तो ये एग्रीमेंट काम करेगा। तुमने एग्रीमेंट ढंग से पढ़ाने का शीश। इसके तहत जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक तुम इस्तीफा नहीं दे सकते। और फिर कितने दिनों से ऋषि बिना चुनौती के जीतते आ रहा है। अभी तो मैं और भी डर रहा हूँ। नहीं जानता ऋषि कितना अच्छा बॉक्सर। तू मुझे नहीं जानता। पागलपन मत कर प्लीज। अमन, अगर ये पागलपन है जाके ऋषि को समझा के वो अपना नाम वापस ले ले। नहीं मानेगा वरुण। सॉरी अमन, इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं। ऋषि को मेरा सामना करना ही होगा। हेलो, व्हाट? दिस इज एक्सलेंट न्यूज। थैंक यू। बाद में मुलाकात होगी। कंग्रेचुलेशंस। किस बात की भाई? आरएनजी ग्रुप ने आज एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। जानते हो, सुजल ने जोश प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया है। गुड गुड। सीजी मुबारक हो तुम्हें भी। पीयूष और सुजल अगर ऐसे ही मेहनत से काम करते रहे तो और कई नए प्रोजेक्ट्स हम साइन कर सकते हैं। I have absolutely no doubts about that. वरुण, अमन, पापा को जाके कंग्रेचुलेट करो। जोश प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। Wow. Yes. Congratulations, Dad. अंकल, बेटा। कहाँ है अंकल? बेटा, ये क्या इतना ढीला सा कांग्रेचुलेशंस अंकल? अपने कांग्रेचुलेशंस में जोश लाओ, जोश। क्या बात है अमन? एनी प्रॉब्लम? डैड, मैं बताता हूँ। अमन नहीं चाहता कि ऋषि और मैं बॉक्सिंग में कंपीट करें। क्यों बेटे? अंकल, बॉक्सिंग कंपटीशन में ऋषि और वरुण एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, क्या फायदा? अरे अमन, खेल फायदे और नुकसान के लिए नहीं खेले जाते, सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप के लिए खेले जाते हैं। Look at Darren CG uncle for example, इतने सालों से चेस खेलते आ रहे हैं, क्या उनके रिश्ते में कोई फर्क पड़ा है? पीयूष बहन सुजल भैया, they compete in squash, in horse riding, उनके रिश्ते में तो कोई दरार नहीं आई है? बेटा, and they are a perfect example of दोस्ती। जानते हो, खेल और जंग में बहुत फर्क होता है बेटा। हालांकि हार जीत दोनों में ही होती है, लेकिन खेल में पर्सनल रिलेशनशिप्स इफेक्ट नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट सीजी। खेल तो खेल होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों वसुंधरा? ओह, बिल्कुल। सो शुड वी सेलिब्रेट सम वाइन? डेफिनेटली। कम ऑन। हाँ, खेल सिर्फ खेल होता है, लेकिन तब जब उसे घर से बाहर खेला जाए। कशिश, अच्छा हुआ हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, वरना बहुत अच्छी डील हमारे हाथ से निकल जाती। सुजल ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टर सुजल गरीवाल चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर मैं उनके साथ काम करूं। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा।
तमिल। प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो वरुण? हाँ दी, अगर मुझे ये बॉक्सिंग मैच जीतना है मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बात पूछो वरुण, क्या तुम ये मैच महक के लिए खेल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम ऋषि को इसीलिए हराना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में महक का दुख है? हाँ दी, आप ठीक कहती हैं। कहते हैं प्यार में सब कुछ हार कर भी सब कुछ पाया जाता है, लेकिन महक ने सब कुछ हार कर भी कुछ नहीं पाया सिवाय बदनामी और जिल्लत के। मैं महक को दोबारा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ दी, और ये तभी होगा जब महक के गुनेगार को उसके किए की सजा मिले। लेकिन ऋषि सीजी अंकल का बेटा है, तुम्हारा दोस्त है, सूजर का भाई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का हक है। वो गुनेगार है, बस गुनेगार। बहुत प्यार करते हो ना तुम महक से? मैं जानती हूँ वरुण कि प्यार ऐसा ही होता है। कम से कम तुम मेरे सामने अपने प्यार का इजहार कर सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती। देखो सोचो, मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, इस नई फर्म के साथ जोश प्रोजेक्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के मामले में ये नई फर्म ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन मैं मिस्टर मेहता को कमिट कर चुका हूँ, और सुजन गरेवाल उन लोगों में से तो जब वादे करते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। लेकिन बिजनेस में कमिटमेंट की वजह से फायदे को नजरअंदाज करना बेवकूफी है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन फिर सुजन ने एग्रीमेंट को साइन कर दिया। अंकल, हम मिस्टर मेहता से बात करके ये एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। हम उनसे ये कह सकते हैं कि हमने ये जोश प्रोजेक्ट बंद कर दिया। और ऐसा करने से कंपनी की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? लोग क्या कहेंगे? आरएनजी ग्रुप ठीक से फैसले नहीं कर सकता। इस एग्रीमेंट पर मेरे दस्तखत हैं और वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। सीजी, ये प्रोजेक्ट पीयूष और सुजल का है, हम दोनों को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। इन दोनों को ही फैसला करना है। पीयूष, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जो भी फैसला लोगे आरएनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंटरेस्ट में। ललित, ये तो शुरुआत है ललित, अब पीयूष और सुजल कोई भी फैसला मिलकर नहीं ले पाएंगे। कशिश की वजह से पड़ी दरार एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि दोस्ती के साथ साथ ये बिजनेस और धीरे धीरे इस घर को भी बांट देगी। सुजल, पिछले दिनों तुम के बाहर गए थे, हाँ मां। कुछ काम था। सुजन, कशिश और पीयूष के हनीमून पर तुम्हारा क्या काम था? मामा, जब आप ये जानती हैं कि मैं कहाँ गया था तो आप ये भी जानती होंगी कि मैं वहां क्यों गया था। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए मैं परेशान हूँ। बेटा, पीछे भागने से प्यार हासिल नहीं होता, और अगर हासिल हो भी जाए तो उसकी शक्ल नफरत से भी बदतर हो जाती है। मैं प्यार के पीछे नहीं भाग रहा मम्मा, मैं तो बस प्यार कर रहा हूँ।
और अब आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल गया। लेकिन बेटा, ये रास्ता तुम्हें सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाएगा। और क्या बीच रास्ते में रुकने से मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी? नहीं मामा, पीयूष ने धोखे से कशिश को मुझसे छीना है, और अब मैं इस एहसास के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकता कि किसी ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मेरे प्यार को मुझसे अलग कर दिया। क्या तुम ये सब भूल नहीं सकते? भूल जाऊं कैसे? भूल जाऊं मामा कैसे? जिस सुजल गरेवाल ने जिंदगी में कभी अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाया, वो उस शादी वाली रात अपने प्यार के सामने गिरकर गिरकर आया। ये हाथ फैलाकर मैंने अपने प्यार की भीख मांगी कशिश से। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं लाचार था अपने जज्बातों के सामने, बेबस था मैं अपने प्यार के सामने। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने लुट रही थी, और पीयूष ने इसी का फायदा उठाया। लेकिन अब मैं खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा मामा कि पीयूष रहजा का कद मेरे सामने छोटा दिखने लगेगा। बेटा, हम इंसान की ताकत से नहीं, उसकी कमजोरियों से प्यार करते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है सुजल, खुद पर काबू रखो, क्योंकि कशिश ने खुद पीयूष के साथ शादी की है। लेकिन प्यार मुझसे किया है मामा, और उसे हर हाल में मेरे पास लौट कर आना होगा। शादी की एक रस्म के लिए मेरा प्यार बलि नहीं चढ़ेगा। भले ही कशिश पीयूष के साथ में हो, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरे साथ है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूँ। अब आप क्या करेंगे पीयूष? सुजल तो पीछे नहीं हटने वाला। मैं जानता हूँ कशिश, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। कंपनी के खातिर मुझे ये प्रोजेक्ट बंद करना होगा। सुजल ने इस प्रोजेक्ट को अपनी जीत समझ लिया है, लेकिन इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है पीयूष, क्योंकि इस बार मैं भी हारने को तैयार हूं। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ने को तैयार हूं। बस एक छोटी सी शर्त, तुम्हें ये नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना होगा, और उसे पूरा करने के लिए बाहर जाना होगा। तो तुम जोश प्रोजेक्ट से पीछे हटने के लिए तैयार हो? अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंबोडिया में जाकर हैंडल करूं, और वो भी 6 महीने के लिए? जाहिर सी बात है, ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तुम्हें बाहर तो जाने नहीं सोचा। मुझे ये मंजूर नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे जाते ही मैं तुम्हारा सब कुछ हड़प लूं? हड़प तो नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश जरूर करोगे। तुम एक बार जाओ तो सही, फिर देखते हैं होता क्या। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा सुजल, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। बाय द वे, तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल क्यों नहीं करते? तुम कंबोडिया जाओ। वैसे आइडिया बुरा नहीं, सोच लो। कशिश मेरी असिस्टेंट है, और उसे भी मेरे साथ जाना मंजूर है। ठीक है, मैं तुम्हारा ये प्रोजेक्ट टेक ओवर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसे मैं और कशिश दोनों मिलकर हैंडल करेंगे। सॉरी, कशिश तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे उसकी यहां जरूरत है, मेरा काम संभालने के लिए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।